नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपके साथ हमारा आपके चैनल डिजिटेक पे। दोस्त, आज इस वीडियो में पेटीएम को एक ऐसा ऑफिशियल ट्रिक दूंगा जिसका इस्तेमाल करके बिना ओटीपी पेटीएम आपको लॉगिन कार्ड पाओगे। मान लो आपके पास इस तरह का कुछ सिम है जो सिम अभी बंद हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया अभी या फिर अब खो गया वो सिम, तो उसपे ओटीपी मांगना है तो कैसे वो अकाउंट लॉगिन कर पाओगे, या फिर आपके पास उसी अकाउंट पे कोई भी बैंक अकाउंट ओपन था अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इसीलिए आपका मुसीबत है, तो मैं उस मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी वीडियो को अंत तक देखो तो आपको पता चल जाएगा बिना ओटीपी पेटीएम आपको कैसे लॉगिन करना है। मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा ये ट्रिक्स पेटीएम का ऑफिशियल ट्रिक्स है, आप इसको इस्तेमाल करके आपका खो गया सिम या फिर रिजेक्ट हो गया सिम को आप फिर से निकल पाओगे या फिर से पेटीएम आपको ओपन कर पाओगे जिस नंबर पे आपको ओटीपी मांग रहा है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना और ये वीडियो अंत तक देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये विदाउट ओटीपी लॉगिन ट्रिक्स इस्तेमाल करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक फ्रेश नंबर जहां पर अभी तक पेटीएम लॉगिन नहीं हुआ है, मतलब पेटीएम अकाउंट नहीं है। इस तरह का एक नंबर ले लो, उसके साथ जो नंबर आप खो गया है उसका पासवर्ड आपको याद रखना होगा बस, और ओटीपी का कोई जरूरत नहीं। जो नंबर फ्रेश है उसी पर ओटीपी लगेगा, ठीक है। आपका जो नंबर खो गया है या फिर ओटीपी मांग रहा है उसी ओटीपी का कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो सारी प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेटीएम ऐप को ओपन करो। ओपन करने के बाद थ्री डॉटेड लाइन पे जाओ, उसके बाद वहीं पर एक लॉगिन ऑप्शन आएगा, लॉगिन ऑप्शन पे जाओ। लॉगिन ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पर और एक ऑप्शन लगेगा ट्रैवल लॉगिन इन, वहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, सिंपली चेंज योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। ये जो चेंज योर मोबाइल नंबर है ना, यहीं पर आपको डालना है जो नंबर आपको खो गया है, जहाँ पर ओटीपी चल रहा है चाह रहा है उसी नंबर एंड उसका पासवर्ड यहीं पर आपको डालना है। सिंपली उसका नंबर यहीं पर डाल दो एंड पासवर्ड नीचे डाल दो। नंबर एंड पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पूछेगा कि लास्ट वॉलेट बैलेंस कितना था जो अकाउंट आपको खो गया या फिर ओटीपी मांग रहा है। सिंपली उस अकाउंट बैलेंस डाल दो, जीरो था मैंने जीरो डाल दिया। उसके बाद यहीं पर आपको डालना है एक नया नंबर जहाँ पर अभी तक कोई भी पेटीएम अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, मैंने डाल दिया। उसके बाद सिंपली कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। कॉन्फर्म क्लिक करने के पहले एक ओटीपी आएगा उसी नंबर पे, जो नंबर नया है उसी नंबर पे ओटीपी यहीं पर डाल दो। आपको नंबर अपग्रेड हो चुका है, सिंपली आपको जो नंबर खो गया है उसी नंबर ट्रांसफर हो गया नया नंबर पे। उसके बाद सिंपली जो नया नंबर आप अपग्रेड किया या फिर जो नंबर आपको अनरजिस्टर्ड था उसी नंबर डालो, फिर उसका जो पासवर्ड था डालने के बाद लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद और एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपको नया है जो नंबर आप अपडेट किया है, देखो ओटीपी आ चुका है। उसके बाद सिंपली ओटीपी यहीं पर डाल दो, आपको अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ट्रांसफ़र भी हो चुका है, अकाउंट जो पहले था उससे इस पर आ गया। आप चेक करके देख सकते हो, खुद ट्राई करो तो आपको भी हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस पेटीएम ने नया अपडेट किया, तो इसको फ़ायदा ले लो। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, और इस तरह का वीडियो डेली पाने के लिए डिजिटेक चैनल को एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।